लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां जनसभा को संबोधित करने में जुट चुकी हैं। ऐसे में ही कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वहां पर सुभाष चोपड़ा समेत अमरिंदर सिंह लवली भी मौजूद थे और उनके अलावा तमाम लोग भी वहां मौजूद थे और ऐसे में वो केजरीवाल पर निशाना साध रहे थे। उनका कहना था कि शिक्षा को लेकर और स्कूल को लेकर केजरीवाल ने जो किया है वो एक तरह से ढोंग है, उन्होंने सिर्फ मकान बनाकर खड़े कर दिए हैं, वहाँ पर ना तो बच्चे दिखाई देते हैं ना वहाँ पर पढ़ाइयाँ होती हैं, यानी कि एक तरीके से वो अपनी कमियों को छुपाते हुए केजरीवाल पर हमलावर हो गए। तभी एक महिला पत्रकार ने उनसे बड़े कड़े शब्दों में एक सवाल किया। आपको बता दें वो महिला काफी गुस्से में थी और उन्होंने अमरिंदर सिंह से एक सवाल किया और उन्होंने कहा कि जो आपके राज्य में शिक्षा का स्तर इतना नीचे जा रहा है, कोई भी बच्चा और उनके भविष्य को लेकर कुछ नहीं सोचा जाता और मासूम बच्चों की ऐसे ही जान चली जाती है और शिक्षा का स्तर इतना बद से बदतर हो रखा है, आप उन पर क्या जवाब देंगे जब आपकी पार्टी ही कुछ नहीं कर रही है। तो ऐसे में अमरिंदर सिंह ने क्या जवाब दिया ये वीडियो में देखना पड़ेगा आपको, लेकिन जिस तरीके से महिला पत्रकार ने अपना गुस्सा जाहिर किया तो ये साफ तौर पर यहाँ जाहिर होता है कि कांग्रेस ने कितना काम किया है दिल्ली में, कितना काम नहीं किया है, कितना केजरीवाल ने किया है। ये सारी पोल पट्टी यहीं खुल जाती है जब ये सवाल इन पर दागा जाता है। इस वीडियो में देखिए क्या कुछ महिला ने और कहा और किस तरीके से अमरिंदर सिंह ने जवाब दिया, देखिए रिपोर्ट। ये बताओ कि बच्चों की बढ़ोतरी कितनी होगी, तीसरा ये बताओ कि टीचर्स की हम वैकेंसी जो छोड़ गए थे उसमें कितने कम हो गए। आप इनके प्रश्नों का उत्तर दे दो, मैं मनीष सिसोदिया की बात करना चाहता हूं। एक तो हम लगातार, अगर आपने मेरा लोकसभा इलेक्शन कवर किया हो तो लोकसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत ऐसी नहीं जब्त हो गई थी। शिक्षा मॉडल में ही मैं लोकसभा चुनाव लड़ा था और सिर्फ 10 दिन में लड़ा था, इसीलिए जो 2 साल से लगे हुए थे जिसके लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पागल होकर लगे हुए थे, उस उम्मीदवार की जमानत इसीलिए नहीं जमना पार में जब्त हो गई, एजुकेशन मॉडल पर हुई थी। दूसरा, उन्होंने अपना एजुकेशन मॉडल को अभी डिक्लेयर किया, ये हमारा मॉडल जो है अडॉप्ट करें सारे, तो हम लोगों को बता रहे हैं कि इन बहरूबियों से सावधान हो जाओ, कहीं ये मॉडल अडॉप्ट कर लिया तो पूरी देश में इलिटरेसी बढ़ जाएगी और लिटरेसी का रेट गिर जाएगा। जिस मैंने इसलिए शुरुआत इससे करी कि हिंदुस्तान के लोग अगर ये बात करते हैं कि हम दुनिया की इकोनॉमिक पावर बनेंगे एंड इंडिया विल बिकम द ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज बिकॉज हमारी जो नई जनरेशन है उसमें लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, वो बढ़ रही है। इस मॉडल के हिसाब से देश की राजधानी में ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है। प्लीज प्लीज आप सब लोगों का, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का एजेंडा नहीं है, अगर हम इसको क्लैमोफेज करेंगे और इन फैक्ट्स में नहीं जाएंगे तो आप कोई कांग्रेस पार्टी के साथ या किसी और पार्टी के साथ अन्याय नहीं कर रहे, आप दिल्ली के साथ अन्याय कर रहे। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के मेरा ये निवेदन है, पत्रकारिता की भी डिमांड यही है कि आप आंकड़ों को चेक करिए। मुकेश जी ने कहा कि मैंने आरटीआई से जवाब मांगे, इसी सरकार के जवाब है। क्या हो रहा है दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में, खाली हम लोगों का फर्ज नहीं है, आप लोगों का भी पत्रकार होने के नाते फर्ज है कि आप इसको पूरा एक्सपोज करें। रिपोर्टिंग किताब भरी हुई है, तकनीकी रूप से पॉइंट ये है कि मनीष सिसोदिया का ये कहना है, हमने कहा है कि ये एजुकेशन मॉडल बच्चों के लिए एजुकेशन मॉडल नहीं है, ये नेक्सस है सरकार का और ठेकेदारों का, और ये नेक्सस है, ये एजुकेशन मॉडल ठेकेदारों का एजुकेशन मॉडल है, ये एजुकेशन मॉडल बच्चों का एजुकेशन मॉडल नहीं है, तो इस नेक्सस की हम जरूर जांच कराएंगे। मैंने ये कहा चाहे प्राइमरी स्कूल चलाती हो,
लेकिन दिल्ली सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार का एजुकेशन मिनिस्टर आंसरेबल होता है एमसीडी के बच्चों के लिए। सर्व शिक्षा अभियान के नाम से केंद्र सरकार से बहुत बड़ा अमाउंट दिल्ली की एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिलता है, जिसको वो डाइवर्ट करता है कि आउट ऑफ द स्कूल बच्चे ना दें। और एमसीडी की जो एजुकेशन है वो पहली से लेकर पांचवी तक होती है सिर्फ सर्वोदय स्कूलों में, इवन प्रतिभा स्कूलों में भी नर्सरी नहीं होती, सर्वोदय स्कूलों में केवल नर्सरी होती है। और एमसीडी के बच्चे जो हैं वो ऑटोमेटिकली दिल्ली के स्कूलों में आते हैं। और ये व्यवस्था कोई नई नहीं आई, इन 15 आजादी के बाद से ये व्यवस्था चली आई। अगर हमारे टाइम में 15 सालों में 8 से 16 लाख बच्चे हुए हैं तो भी यही व्यवस्था थी। और ये दिल्ली सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बाकायदा जिन एनजीओ के सिर पर ये सरकार चल रही है और जिन एनजीओ को फंडिंग कर रहे हैं, जो मैंने कहा ना ये अपने आप में सारा रोल स्कैम है, उनको पैसा दिया जाता है कि एमसीडी के बच्चे तो आ ही आए, ऑटोमेटिकली उनका रोस्टर बनता है एमसीडी का, उसके अंदर एमसीडी के स्कूल को स्कूल अलॉट होता है कि स्कूल के बच्चे उस स्कूल में जाएंगे ऑटोमेटिकली, सारा ऑनलाइन सिस्टम है उन बच्चों को। और उसके अलावा उन बच्चों को स्कूल में लेके आना सिक्स में, यही इस सरकार की जिम्मेवारी है जिसमें वो फेल कर रही है। तो ये कहना कि एमसीडी के बच्चे हैं इससे ज्यादा, इसीलिए मैंने कहा कि आज शाख पे उल्लू बैठा है कि इस सरकार के अंदर 5 साल अगर एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता तो ये कैसा एजुकेशन मॉडल है, ये मैं आपसे कहना। तमाम सवालों के बाद और तमाम जवाब के बाद आपकी क्या राय है कि दिल्ली में किसकी सरकार होगी और कांग्रेस ने कितना काम किया है, ये तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज़।